हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल स्मार्ट इंडिया पर। और आज हम सीखने वाले हैं कि अपना जो फोटो है, खुद का फोटो है, उसको कार्टून कैसे बनाए। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा उसका क्रेज है, फेसबुक हो या व्हाट्सअप हो, उसमें लोग ऐसे तरह तरह के कार्टून के फोटोज़ लगाते हैं प्रोफाइल पिक्चर में। तो मैंने सोचा कि उसका कोई अच्छा सा एप्लीकेशन मैं आपको बता दूँ। तो मैं आज एक एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही यूज़फुल है और उनसे बहुत ही अच्छा जो हमारा कार्टून जो फोटो है वो बनता है, उसमें GIF भी बनता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मार्ट इंडिया जो आपको बना सकते हैं, शायद स्मार्ट। अगर आपको दोस्तों बनाने कुछ DIY बेस्ड चीजें, अगर दोस्तों को शौक है इलेक्ट्रॉनिक जाके देखो मेरे का चैनल, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। तो सबसे पहले तो हमें प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं, और जैसे ही ओपन हो जाए तो हमें सर्च बार में लिखना है बबुल कीबोर्ड। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने बबुल लिखा और नीचे ये आ गया है जो पहली एप्लीकेशन है वो हमें इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पे अगर उसकी रेट की बात की जाए तो 4.6 उसको रेट मिले है, और 5 मिलियन जो बहुत सारा डाउनलोड है, और 13 की एप्लीकेशन है तो ज़्यादा जगह भी नहीं रोकेगी। तो यहाँ से हम इंस्टॉल कर लेते हैं उसको। डाउनलोड भी हो गई है और इंस्टॉल हो गई है, सिंपली उसको ओपन कर देना है। दोस्तों, जैसे आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको नजर आ जाएगा, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर मांग रहा है तो मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ। तो जैसे ही मैंने मोबाइल नंबर दिया तो OTG आएगा अपने मोबाइल पर, तो ये SMS आ गया है। तो हम यहाँ से उसको लिख देंगे। और यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये हमारा जो कोड है वो वेरीफाई हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो बबुल का कीबोर्ड है उसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने कर दिया, और ये कुछ उसकी पूछ रहा है, उसको कंडीशन है तो उसे ओके कर दो। और यहाँ उसका कीपैड है ऊपर वाला, जो उसका कीपैड है दोस्तों बबुल कीपैड, वो भी हमें सिलेक्ट कर देना है, उसका अपना कीपैड होता है। तो दोस्तों, हम कुछ फोटोज़ बना के देखते हैं कि कैसे फ़ोटो बनते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ जो माय हैंड है उस पर सिलेक्ट करो। जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको नज़र आएगा, फिर एक राइट साइड में है वो कैमरे का है, उसमें हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम कुछ ले लेते हैं। तो अभी मैंने ये एक सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ हम थोड़ा सा ये जो स्पेस है वो एडजस्ट कर ले। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिए क्योंकि मैं पूरा डेमो करके आपको दिखाने वाला हूँ। बस ये हमारा जो स्पेस है वो सिलेक्ट हो गया है। अब ये पूछ रहा है कि फेल या मेल या फिर फीमेल, तो हमें मेल पे सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे ये हमारा जो फोटो है सिलेक्ट हो गया है, और अभी आपको ऐसा नज़र आ रहा है। अब आप कुछ एडिटिंग भी उसमें कर सकते हो, जैसे कि ये जो है ग्राफिक्स बढ़ाना हो, फिर अब ये जो हेयर है वो थोड़ा
खराब दिख रहा है तो उसे भी आप ठीक कर सकते हो ऐसे, और अगर ये जो कटा हुआ है उसको भी आप वापस ला सकते हो। तो वो कैसे, तो यहाँ जो ऐड है उस पर आपको जाना होगा और तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है, अब हम उसे आगे करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो नीचे जो स्टिकर है गए है और वो जो फोटो है फोटो है। अभी आप जो फंट अगर कुछ सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से कुछ भी ऐड कर सकते हो, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कुछ भी मैसेज जो आपका यहाँ लगाना है वो। और यहाँ आप GIF पर सिलेक्ट करोगे तो ऐसे आप GIF भी फोटो बना सकते हो। और यहाँ से सीधा आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ही पसंद आया होगा और मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको ये सब डेमो करके दिखाया। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें, और अगर पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए था बस इतना ही, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।